हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, रेसलमेनिया का नाइट वन तो हो चुका है खत्म एंड अब सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है रेसलमेनिया नाइट टू के लिए, बिकॉज वहां पर हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच ब्लड लाइन रूल्स मैच। एंड क्या फाइनली एंड होने वाली है रोमन रेंज की अनडिस्प्यूटेड टाइटल की रेन, क्योंकि गाइस रॉक ने कह दिया है काफी कुछ बड़ा रेसलमेनिया के बाद, तो वो क्या कुछ थिंग है आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। साथ ही साथ नाइट टू में हमें कौन सा काफी बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके अलावा ड्रू मैकएंटायर ने अपने एंड सेथ रॉलिंस के मैच में एक कौन सी बड़ी स्टिपुलेशन रख दी है, तो सबसे पहले हम उसी स्टिपुलेशन के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है नाइट टू की हमें पॉसिबली स्टार्टिंग ही करते हुए दिखने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकएंटायर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। एंड ड्रू मैकएंटायर काफी टाइम से वार्निंग दे रहे सेथ रॉलिंस को कि तुम दूर रहो ब्लड लाइन से, नहीं तो तुम्हारी चैंपियनशिप चली जाएगी। और नाइट वन के मेन इवेंट को ड्रू मैकएंटायर देख भी रहे थे, जिसका उन्होंने रिएक्शन भी शेयर किया, जहां पर वो ये कह रहे हैं ये चीज होनी थी वो हम सभी को पता ही है। एंड अब तो और भी ज्यादा इजी हो चुका है सेथ रॉलिंस को हराना कल, यानी कि गाइस सेथ रॉलिंस की नी में प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि ड्रू मैकएंटायर के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होने वाला है। बट उससे पहले ड्रू मैकएंटायर हमें WWE वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि अगर वो कल सेथ रॉलिंस को नहीं हराते हैं, यानी कि वो नहीं बनते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो वो WWE कर देंगे लीव। यानी कि गाइस ये ड्रू मैकएंटायर के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, और जिस हिसाब से चीजें चल रही है ये देखकर लगभग कंफर्म लग रहा है कि ड्रू मैकएंटायर आप सबको कल बनते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। वैसे आपको क्या लगता है, अब जब नाइट वन हो चुका है खत्म तो कौन जीतने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकएंटायर के मैच में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि नाइट टू में हमें कौन सा बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को पता है नाइट वन में हमें कोई भी रिटर्न वगैरह देखने को नहीं मिला, यानी कि जो भी मैचेस वगैरह प्लान थे उसमें ही हमें चीजें वगैरह होते हुए दिखी। लेकिन आप सबको बता दूं WWE ने एक स्पेशल सेगमेंट प्लान किया है रेसलमेनिया में, एंड अब जब उन्होंने नाइट वन में नहीं कराया है उस चीज को, तो ये बात साफ है कि वो चीज आप सबको नाइट टू में देखने को मिलने वाली है। एंड आप सभी को पता है ये एक नहीं बल्कि दो ऐसे नेम है जिनके रूमर्स काफी ज्यादा चल रहे हैं कि वो हमें आते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया में, वो है जॉन सीना एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इनफैक्ट जॉन सीना ने गाइस अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी की, जहां पर उन्होंने ये लिखा स्टोन कोल्ड शो अप एट मेनिया। सो मे बी हो सकता है WWE इन दोनों का सेगमेंट एक साथ ही करे प्लान, जहां पर वो आकर किसी पर करे अटैक, नहीं तो एक काफी बड़ी स्पेकुलेशन जो लगाई जा रही थी वो आप सभी को पता ही है कि ये दोनों हमें हेल्प करते हुए दिख सकते हैं कोडी रोड्स को उनकी स्टोरी फिनिश करने में। इसलिए लेट्स सी कि कल अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड जॉन सीना आते हैं तो वो क्या कुछ करते हैं बड़ा। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने नाइट टू के मेन इवेंट के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच ब्लड लाइन रूल्स मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जैसा कि आज रेसलमेनिया के नाइट वन में हमें एक काफी कमाल का टैग टीम मैच देखने को मिला रोमन रेंज एंड दी रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बीच, जहां पर रॉक एंड रोमन रेंज ने हरा दिया कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को। और अब नाइट टू में होने वाला है ब्लड लाइन रूल्स मैच। सो ये बात तो साफ है कि जब ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है तो काफी सारे इंटरफेरेंस वगैरह देखने को हमें मिलने वाली है। रॉक तो देखने को मिलेंगे ही, जिमी उसो तो देखने को मिलेंगे ही, उस मैच में सेथ रॉलिंस, जे उसो या फिर क्या पता और भी कुछ सरप्राइजेस वगैरह देखने को मिल जाए। अब ये सब चीज तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं रेसलमेनिया नाइट टू के मेन इवेंट से, लेकिन गाइस रॉक ने कह दिया है कुछ बड़ा, बिकॉज रेसलमेनिया के बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, जहां पर उनसे पूछा जाता है नाइट टू के सरप्राइजेस के बारे में। देन उन्होंने कहा कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि नाइट टू में होने वाले हैं कई सारे सरप्राइजेस। और आप सभी को पता ही है आज हुए टैग टीम मैच में एक काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिला कि रोमन रेंस ने गलती से स्पीयर लगा दिया रॉक को, और इसका जवाब अभी तक रॉक ने नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने इस चीज पर अभी तक रिएक्ट भी नहीं किया, क्या पता इसका जवाब वो कल डायरेक्टली हमें देते हुए दिखे अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में। यानी कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रॉक हमें हेल्प करते हुए दिखे रोमन रेंस की, तभी रॉक हमें टर्न करते हुए दिख जाए रोमन रेंस पर एंड वो कोडी रोड्स को हेल्प करे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने में। और जो हारने वाला सीन हमें कोडी रोड्स का लास्ट ईयर के रेसलमेनिया में देखने को मिला था, वही आज के रेसलमेनिया में देखने को मिला, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है ये चीज कल रिपीट होने वाली है। यानी कि भले ही ये होने वाला एक ब्लड लाइन रूल्स मैच, लेकिन कोडी रोड्स सभी को शॉक करते हुए हमें डिथ्रोन करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस को, एंड वो बनते हुए दिखेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अगर अब रोमन रेंस रिटेन कर लेते हैं अपनी टाइटल, तो ये एक काफी बड़ा शॉकर होने वाला है। यानी कि कोडी रोड्स के चैंपियन बनने से भी ज्यादा शॉकिंग होगा अगर रोमन रेंस रिटेन
कर लेते हैं अपनी टाइटल, इसलिए लेट्स सी कि क्या कल वो दिन होने वाला है जब हमें रोमन रेंस की 3.5 सालों की रेन होते हुए दिखने वाली है एंड। और रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों की स्टेटमेंट तो आप सभी को पता ही है, कोडी रोड्स ने कहा है कि अगर वो हारते हैं देन वो कमेंट्री वगैरह करने लगेंगे एंड रोमन रेंस ने कहा है अगर वो हारते हैं तो वो WWE कर देंगे क्विट। तो इस मैच में पहले से ही स्टेक्स काफी ज्यादा हाई है एंड यही एक तरह से मेन इवेंट होने वाला है पूरे के पूरे रेसलमेनिया का। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना अब आपकी फाइनल प्रेडिक्शन क्या है, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में, रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।